Hello everyone, welcome back to the channel Vermac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the CUET examination 2023, and in this video I'll be sharing one very important thing for you all, and that is how to solve the unseen passages, the reading passages जो आपके एग्जाम में अब की बार आने वाले हैं. इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, एक भी बात को मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है बच्चों. ट्रस्ट मी, इसी वीडियो के बेस पे आप अपने आने वाली प्रिपरेशन करोगे. हम जो भी पैसेजेस को सॉल्व करेंगे आगे, उसके लिए आपको ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज quickly go and hit that subscribe button, because यहाँ पे आपको CUET की पूरी preparation मिलेगी English की, A to Z एक एक चीज cover होगी बहुत बढ़िया से. So don't forget to subscribe and share this channel with your friends. Now let's begin to the video. And so we have, मैंने आपको last video में बताया था that in this year's CUET examination we'll be seeing three kinds of passages: factual, narrative and literary. Now, passages क्या होते हैं ये आप सब जानते हो, we all know, क्योंकि आप ये passages को अपने schools में बहुत लंबे time से देखते आ रहे हो अपने exams में. But हर एक passage same नहीं होता, हर एक passage की एक अलग category है, और उस category को solve करने का approach अलग होती है, उसका तरीका अलग होता है. तो आज मैं आपको आपके नैरेटिव, फैक्चुअल और लिटरेरी पैसेजेस के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इनमें एक्चुअली में आपको क्या अप्रोच लेके इनको सॉल्व करना है, और ये कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. द फर्स्ट वन इज द नैरेटिव पैसेज. नैरेटिव पैसेज, ये जो नाम है आपको इसे सुन के काफी कुछ समझ में आ रहा होगा आई गेस. तो सबसे पहला तो ये है कि भाई नैरेटिव होता है एक स्टोरी टेलिंग. कोई भी स्टोरी हो, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो, आपके सामने एक स्टोरी रख दी जाती है, एक नैरेशन रख दिया जाता है किसी भी स्टोरी का, वो होता है आपका एक नैरेटिव पैसेज. इस पैसेज के अंदर आपको एक प्लॉट मिलता है. प्लॉट माने वो वाला प्लॉट नहीं जहां पे घर बनते हैं, प्लॉट मतलब एक ट्रैजेक्टरी जिसपे कोई भी स्टोरी चलती है, एक ट्रैक जो होता है जिसपे कोई स्टोरी आगे बढ़ती है, वो होता है हमारा प्लॉट. आपको इसमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और आपको इसमें सेटिंग देखने को मिलती है. सेटिंग माने सेटिंग ऑफ द कैरेक्टर्स एंड ऑफ द सीन्स. तो आपको एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग टाइप, एक पूरा, एक जो हम कह सकते हैं एक आउटलाइन देखने को मिलेगी यहाँ पे नैरेटिव पैसेजेस में. इसी के साथ साथ आपके नैरेटिव पैसेज फिक्शन हो सकते हैं या फिर नॉन फिक्शन भी हो सकते हैं. इसमें कोई भी फिक्स्ड कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. इट कैन बी फिक्शियस, इट कैन बी नॉन फिक्शियस. एंड नाउ द मेन पॉइंट इज कि आपको इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये वाला पैसेज एक नैरेटिव पैसेज है या नहीं. बहुत सिंपल है. सबसे पहले आपको ध्यान देना है एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी पे. हर एक स्टोरी, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर्स हो उसमें, उसके एलिमेंट्स सेम होते हैं. कैसे? सबसे पहले होते हैं हमारे डायलॉग्स. यस, हर एक स्टोरी में डायलॉग्स होते ही हैं, राइट? डायलॉग्स अगर फर्स्ट पर्सन या डायरेक्ट स्पीच में नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको मिलेंगे ही वहां पर डायलॉग्स. कोई ना कोई बात किसी ना किसी से तो बोल ही रहा होगा. सेकेंड होता है आपका नैरेशन. नैरेशन बेसिकली अगर कोई नैरेटर है उस स्टोरी का तो वो उसको नैरेट कर रहा होगा, नहीं तो कोई एक थर्ड एंटिटी उसको नैरेट कर रही होगी विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम और द आइडेंटिटी. तो वहां पे आपको नैरेशन देखने को मिलेगा. एंड यू विल गेट टू सी अ डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन का मतलब कोई भी स्टोरी का जो पार्ट है वहां पे उसका आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा. डिस्क्रिप्शन काफी शॉर्ट में भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन काफी लॉन्ग में भी हो सकता है. सो दैट कैन नॉट बी यू नो सेड प्रायर टू द एग्जाम. कैसा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. सो हमारा बस एक ही तरीका है इससे पार होने का कि हमारी प्रैक्टिस दमदार होनी चाहिए. वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम से पहले अच्छे से, ताकि हम हर एक पैसेज के लिए तैयार रहें. चाहे कुछ भी आ जाए हम आराम से कर लेंगे. तो ये बात हो गई नैरेटिव पैसेजेस की. नाउ लेट सी कि भाई फैक्चुअल पैसेज में क्या होता है. फैक्चुअल पैसेज आप 10th क्लास में जब थे आप तब से देखते आ रहे हो.
फैक्चुअल पैसेज बहुत इजी होते हैं, मेरे हिसाब से सबसे इजी हमारे फैक्चुअल पैसेज होते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपको इसमें फिजिकल कैरेक्टर्स और फिजिकल डेटा मिलता है। आपको फैक्चुअल पैसेज में बिटवीन द लाइंस समझने की या पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फैक्चुअल पैसेज में हर एक चीज बहुत क्लियरली आपके सामने गिवन होती है। आपको सिर्फ उसे पढ़ के जो भी डेटा गिवन होता है उसको समझना होता है, उसको स्टडी करना होता है, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ पैसेज इज द मोस्ट सिंपल, इज द मोस्ट आई वुड से सॉर्टेड पैसेज। इसमें और क्या चीजें हैं, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके सामने इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, आपको उसी को एनालाइज करना होता है। स्टडी ऑन एनी मैटर, किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई स्टडी आपके सामने प्रेजेंट की जा सकती है। अदरवाइज इट कैन बी अ सर्वे, कोई सर्वे हो सकता है, चाहे पॉपुलेशन पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे एजुकेशन पे हो, किसी पे भी हो सकता है। एंड इसको सिंपली आपको सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी तरीका है, बिकॉज ऑल द आंसर्स आर डेटा ओरिएंटेड। जो भी आपके आंसर्स बनेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ऑब्जेक्टिव में होंगे, वो सारे के सारे आंसर्स आपके डेटा ओरिएंटेड होंगे। जो डेटा आपको गिवन है उसी के बेसिस पे वो आंसर्स बनेंगे, एंड दैट इज व्हाई फैक्चुअल पैसेज सबसे बढ़िया होते हैं, सबसे इजी होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लिटरेरी पैसेज, इन सब का बड़ा भाई। मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूं कि लिटरेरी पैसेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से डिफिकल्ट बनते हैं, क्योंकि उसमें लिटरेचर का ही रोल रहता है, और लिटरेचर एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान एक अलग ओपिनियन, एक अलग माइंडसेट के साथ पढ़ता है। लिटरेचर कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि एक एब्सोल्यूट होती है, फिक्स्ड होती है, नो। हर एक इंसान जब कोई चीज पढ़ता है तो वो इंसान अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग उस चीज को पढ़ के उसको समझता है, उसके आउटकम्स को समझता है, उसके बारे में अपना एक ओपिनियन बनाता है, एंड दैट इज व्हाई लिटरेरी पैसेज आर अ बिट डिफरेंट एंड एज वेल एज डिफिकल्ट। होता क्या है इसमें, ये देख लो, इट इज यूजुअली एन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने क्या होता है, कोई भी रिटन टेक्स्ट, कोई भी बुक हो, कोई भी नॉवेल हो, उसमें से कोई आपको कोई पार्ट निकाल के दे दिया जाता है, आपको वो पार्ट पढ़ना होता है। वो पार्ट में उस पूरी बुक या उस पूरे टेक्स्ट का कुछ एक पार्ट होता है जो आपको समझना पड़ता है। हालांकि उसमें उस पार्ट के अलावा बुक के अंदर जो भी है वो मैटर नहीं करता, आपसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, पूछा वही जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, उसके आगे या उसके पीछे नथिंग विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। इट रिकॉग्नाइजेस, आपको क्या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द लिटरेरी एलिमेंट्स। नाउ लिटरेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, लिटरेचर को कंप्लीट बनाने के लिए कुछ बातें लगती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हर एक राइटर अपनी राइटिंग्स में जरूर इंक्लूड करते हैं, उनके लिए कंपलसरी है। जैसे कि प्लॉट, यहां पे आपने देखा था नैरेटिव में मैंने प्लॉट बताया था, वही सेम चीज वहां पे भी होती है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ स्टोरी। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स आप जानते हो, मूवी सबने देखी होंगी, वो जो एक टर्निंग पॉइंट जो होता है जहां से स्टोरी थोड़ा सा ट्विस्ट लेती है, दैट इज द क्लाइमैक्स। एंड द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स सिर्फ स्टोरी में एक रोल प्ले नहीं कर रहे होते, कैरेक्टर्स उस स्टोरी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। कैरेक्टर्स से ही स्टोरी बनती है, अगर कैरेक्टर्स को हटा दोगे तो स्टोरी नहीं रहेगी। नैरेटिव, हर कोई स्टोरी कोई ना कोई तो नैरेट कर रहा होता है, राइट, या तो वो खुद ऑथर होगा या ऑथर का बनाया हुआ कोई कैरेक्टर होगा। जो भी नैरेटर होता है, आप स्टोरी पढ़ते हो सबसे पहले उस नैरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जो भी स्टोरी पढ़ रहे हो वो आप नैरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो, और उसको पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हो। इसीलिए नैरेटर को समझना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, उसके मूड को, उसके टोन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका लिटरेरी पैसेज में। इसके अलावा इनको एनालाइज करने के लिए आपको लिटरेरी डिवाइसेस को समझना पड़ेगा। लिटरेरी डिवाइसेस वही हैं जो हमने पोएट्री डिवाइसेस पढ़ी थी 12th क्लास में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक सी कुछ होती हैं, उनके यूजेस होते हैं कई सारे, बताऊंगा आपको मैं जब उनको प्रैक्टिस करेंगे। एंड साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन्स,
कोई भी पैसेज को आप जब पढ़ते हो लिटरेचर के, तो उसको पढ़ के कंक्लूजन बना पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके सारे आंसर्स उस कंक्लूजन के ऊपर भी कहीं ना कहीं बेस्ड होते हैं. एंड दैट इज वाई ड्रॉइंग कंक्लूजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी लिटरेरी पैसेज. एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे कंक्लूजन अच्छे होने चाहिए, इंस्पायर्ड होने चाहिए उस स्टोरी से. ऐसा ना हो कि स्टोरी अलग ट्रैक पे चल रही थी और हमारे कंक्लूजन अलग ट्रैक पे चल रहे. तो ये थे हमारे तीनों पैसेजेस और इनका ए टू जेड सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अब कि ये तीनों पैसेजेस क्या हैं और इनके अंदर क्या ढूंढना पड़ेगा हमें. इसी बेस पे हम आगे अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे पैसेजेस की. और इस वीडियो के बाद मैं आपको अब ये बताऊंगा अगले वीडियो में कि हमारा जो भी सेक्शन आने वाले हैं, चाहे वो टिक द करेक्ट हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, उसमें क्या पूछा जाएगा, किस लेवल का होगा, किस तरह सॉल्व करना होगा और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी. तो जो लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं रेगुलरली, अब जुड़ जाओ, क्योंकि अब सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू होने वाली है. सिर्फ कॉमर्स वालों का एग्जाम बचा है 31 को, बहुत पास में है, खत्म हो जाएगा वो. उसके बाद आप सब भी लग जाओगे अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन में. अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी रेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ये 1 से 2 महीने का जो टाइम आपको मिलेगा ये बहुत प्रेशियस है, क्योंकि इसमें आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत सॉलिड बना सकते हो, सो दैट आपके एग्जाम में कहीं पे भी कोई लूपहोल ना रहे और आपकी प्रिपरेशन एकदम हवाई जहाज की तरह उड़ती हुई ऊपर जाए. आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो एंड आई होप यू गॉट ऑल द मेन पॉइंट्स. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर, कीप स्टडीइंग फॉर योर लास्ट एग्जाम. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.